हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कल जन्माष्टमी का त्यौहार था, जो कि आज यहाँ हमारे चंदला से निकल के 5 किलोमीटर दूर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे भैया जी बहुत ही जोरों तोरों से लगे हुए हैं, फिर भी मटकी को पा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये उनका राग पूरा का पूरा बिगड़ गया, खड़े होते होते भी गिर गए, फिर भी बहुत कोशिश में लगे हुए हैं भैया जी हमारे। भैया जी बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में कार्यक्रम चल रहा है, काफी यहाँ पर आदमी आया हुआ है, जो कि हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। तैयार इन लोगों का खेल पूरा हो चुका था, जो कि आधी दूरी में लोगों का खेल बिगड़ चुका है। अब ये लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं अब इस बार क्या होता है। अभी कुछ शांति का माहौल चल रहा है, देखते हैं। अब मैं आप अभी पूरा का पूरा, ये हमारा चंदला से चल के सरवई रोड है, जो कि यहाँ पर कंचनपुर नाम से गांव है, वहाँ रोड के किनारे मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। कल जन्माष्टमी का त्यौहार था, मटकी बहुत ऊपर रहा है। देखते हैं अब इस बार क्या होता है। भैया जी फिर के लगे हुए अपने कार्यक्रम में, मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि ऊपर मटकी टंगी हुई है। छोटे छोटे बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। देख रहे हैं अब इस बार क्या होता। भैया जी नाराज हो गए हैं, तो भैया जी ने एक बच्चे को पाट लिया है, बहुत ही जोरों तोरों से पाटा हुआ है, जो कि दौड़ के उसको पकड़ने की कोशिश की है। ये यहाँ पर ऊपर मटकी टंगी हुई है, इसके लिए हमारे भैया जी बहुत ही परेशान हो रहे हैं, जो कि अभी आधी दूरी तक जाने के बाद ही उन लोगों का खेल बिगड़ चुका है। फिर अब उनका खेल स्टार्ट होता है, देखते हैं इस बार क्या होता है। बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसके दूसरे दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम रखा जाता है। ये हमारे भैया जी थक चुके हैं, इसलिए अपनी घर की ओर शायद जा रहे हैं, नहीं ये यहीं पर हैं अभी, देखते हैं इस बार क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बहुत ही खुशी का दिन है, लोग बहुत ही धूमधाम से खुशी मना रहे हैं, और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आप लोग भारी मात्रा में हमारा वीडियो देखने की कोशिश करें, सहयोग करें, आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरा भी दिल खुश नहीं होगा। भाई लोग हमारे तैयार हो चुके हैं, फिर के कोशिश कर रहे हैं मटकी फोड़ने के लिए, देखते हैं अब इस बार क्या होता है। बहुत ही भारी मटकों के विजय होने के लिए लगे हुए हमारे भैया रहे, ब
बाजा बजाने वाले भी बहुत खुशी है, बहुत ही धूमधाम से अपने बैंड को बजा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मजा ले रहे हैं। इस वीडियो में आपको देखने में बहुत ही आनंद आएगा, जो कि आप लोग देखते रहिए। ऐसी बहुत सी अपडेट हम आपको देते रहेंगे और हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। भैया लोगों का कार्यक्रम गति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार मुझको लग रहा है भैया लोग अपना पूरा रिकॉर्ड पूरा कर देंगे, जो कि इनके ऊपर मट्टी टंगी हुई है उसको फोड़ने के लिए बहुत ही कोशिश कर चुके हैं, फिर भी अभी तक सफल नहीं हुए हैं। देखते हैं अब इस बार क्या होता है। भैया लोगों का इस बार फिर के बिगड़ चुका हुआ है, जिसमें ये लोग काफी बार विफल हो चुके हैं, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। फिर देखते हैं अब क्या होता है इस बार। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में लोग आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं, जो कि मटकी फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी भैया लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं, फिर भी अभी उनका काम सक्सेस नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इन लोगों का कार्यक्रम लग रहा है पूरा हो चुका है। हमने भी इनका पूरा का पूरा कार्यक्रम देखा हुआ है, आप लोग भी देखने की कृपा करें। ऐसी बहुत सारी अपडेटें मैं आपको देता रहूँगा, वीडियो अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।